प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वार्षिक राशिफल 2023 की गणना वैदिक ज्योतिष से करने पर यह महसूस हुआ, यह मालूम होता है कि इस साल दुनिया भर में कई विचित्र और हैरान करने वाली घटनाएं घटित होंगी। इस साल के आरंभ में शनि महाराज परिवर्तन करेंगे और मध्य में गुरु का राशि परिवर्तन होगा, जबकि इस साल राहु केतु अंतिम तिमाही में राशि परिवर्तन करके सभी राशियों की लाइफ में उतार चढ़ाव बनाए रखेंगे। आइए पंचांग और वैदिक ज्योतिष की गणना से जानें 2023 का राशिफल। मेष वार्षिक राशिफल 2023 साल की अंतिम तिमाही कटेगी चैन से। आपको बता दें कि मेष राशि पर 2023 में राहु और केतु के गोचर का प्रभाव रहेगा, जो कामकाज में इन्हें कठिनाई देगा, थोड़ी परेशानियां देगा, विलंब देगा, लेकिन कई काम इनके प्रभावित होते होते बनते नजर आएंगे, लेकिन अटक अटक कर पूरे होंगे। आपको धैर्य और साहस के साथ काम को पूरा करने पर एकाग्रचित होना होगा, मतलब ध्यान देना होगा। सफलता तभी आपकी कदम चूमेगी। इतना ही नहीं, घरेलू उलझनों को भी सुलझाने में आपको परेशानी होगी। हालांकि सूर्य का आपकी राशि में उच्च स्थान पर आना, मतलब मेष राशि पर आना, अप्रैल से मई के बीच आपको अच्छा धन लाभ दिला सकता है, आपको प्रतिष्ठा दिला सकता है, मान सम्मान दिला सकता है। हालांकि आपके खर्चे भी इस दौरान अधिक रहेंगे। अक्टूबर में राहु के राशि परिवर्तन से निकल जाने से आपकी स्थितियों में सुधार आएगा और साल की अंतिम तिमाही में आप राहत की सांस लेंगे, मतलब समय आपके लिए लाभदायक रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा। उपाय आपके लिए है, गाय को जौ, गेहूं और उड़द के आटे से बनी रोटियां शक्कर के साथ शनिवार और बुधवार को खिलाएं। हर मंगलवार को व्रत करें। व्रत ना संभव हो, अगर व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो प्रातः स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर और तेल अर्पित करना काफी शुभ रहेगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। वृषभ वार्षिक राशिफल 2023 फरवरी महीना रहेगा सुखद वृषभ राशि के लोगों को। साल 2023 में किसी दूसरे के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, साथ ही अपने गुस्से पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए, नहीं तो घर बाहर दोनों ही जगह आपको कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। राशि के स्वामी आपके शुक्र का गोचर आपको लाभ और उन्नति प्रदान करेगा, जबकि साल की अंतिम तिमाही में आपको विरोधियों और शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच इस साल आपको सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी बीपी, आंखों से संबंधित परेशानी महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन जो है उसके लिए भी साल यह आपके लिए मिला जुला रहेगा। फरवरी मार्च में कई जातकों के विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है, मतलब वैवाहिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो आपके राशि में के लिए काफ़ी बेहतर है। उपाय आपके लिए है, मंगलवार के दिन माता के
मंदिर में जाकर नारियल अर्पित करें। यदि ऐसा नहीं कर पाते हो तो हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ रहेगा। आप ऐसा उपाय करें, जीवन को सुंदर बनाएं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।